तो चलिए धनवंकार जी महापुरुष, आज क्षेत्रवासन समागम समालक्का हरियाणा में मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ हैं मीडिया प्रभारी जी। आज करते हैं कि हमारे आप किस जोन से हैं महापुरुष जी? प्यार से कहिए धनवंकार जी, दास अंकलेश्वर ब्रांच वडोदरा जोन से जी। आज हमारे ब्रांच की सेवा ट्रॉपिक में लगी हुई है जी। आप देख रहे होंगे सेवा चालू है और सभी महापुरुष ग्राउंड स्थल पर पहुँचे हैं और हमारे सेवा के जो महात्मा है सभी अपने तन मन से यहाँ सेवा कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही ड्यूटी चालू हुई है। हाँ जी महापुरुषों, तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं वडोदरा जोन से महापुरुष जी हैं और इनकी सेवा लगी हुई है 6 बजे से। तो महापुरुष जी, ये सेवा कितने बजे तक अपने ड्यूटी रहेंगे? ये 2 बजे तक ड्यूटी रहेंगे महापुरुषों जी। अपने जोन का जो ड्यूटी, वडोदरा जोन का जो ड्यूटी है अंकलेश्वर ब्रांच का, वो 2 बजे तक रहेंगे। सभी महापुरुष सेवा में लगे हुए हैं, ट्रॉफिक सेवा में। चलिए हम आगे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। धनवंकार जी महापुरुष, आपको सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार क्षेत्रवासन समागम में आप मतलब कितने दिन सेवा कर रहे हैं और कितने दिन तक करेंगे? नहीं, हम लोग कल से कर रहे हैं जी जी। 30 तारीख को चले जाएंगे हम जी, शाम को जी। और ये पहला समागम है दासी का जी, पहली समागम है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। चलिए प्यार से बोलिए धनवंकार जी। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे सभी महापुरुष सेवा में लगे हुए हैं, दोनों साइड ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भी गाड़ी वगैरह है हर चीज़ को पुणे प्रॉपर तरीके से सावधानी कर रहे हैं। धनवंकार जी महापुरुष, तो आप क्षेत्रवासन समागम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही खुशी हो रही है सात संगत जी, सब नज़ारा देख के सात संगत जी। दासी तो यहाँ 2-3 बार आ चुकी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। चलिए प्यार से बोलिए धनवंकार जी। तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी महापुरुष सेवा में लगे हुए हैं, दोनों साइड ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं और ये 6 बजे से समागम, 6 बजे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 2 बजे तक करेंगे। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं सभी महापुरुषों से। चलिए धनवंकार जी महापुरुष। हाँ जी धनवंकार जी, तो बड़ी आप समागम के बारे में कुछ बोलिए। अरे बहुत अच्छा है, यहाँ आने के बाद मस्त एकदम सुकून लगता है, संतों का दर्शन होता है। जैसा कि माता जी का एक हेडलाइन है इस बार, सुकून जी जी, हर पल सुकून, हर जिंदगी में सुकून। हाँ जी, आज सुकून कल सुकून जी जी, समागम में आए वो सुकून जी जी, माता जी का दर्शन किए वो सुकून जी जी, सारे संतों का दर्शन किए वो सुकून, सुकून ही सुकून है। और यहाँ आने के बाद बहुत सुंदर लगता है सारे संतों का दर्शन करके जी जी। हाँ जी, धन निरंकार। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी संतों के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल झलक रही है और एक सुकून की जो भावना है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। सबके चेहरे पे सबके स्माइल वही बता रहे हैं कि सुकून ही सुकून है, जिंदगी में सुकून, हर चीज़ में सुकून, काम में सुकून, हर चीज़ में सुकून। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक जो देख पा रहे हैं सभी सेवा में लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल पे। तो चलिए जो देख पा रहे हैं सभी प्याव वगैरह की व्यवस्था लगी हुई है दोनों साइड, और जहाँ तक आपको दिखा रहे हैं ये जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, ये सब सभी संतों को सेवा दे रही है, फ्री सेवा दे रही है। हमारे सभी महापुरुष सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको सेवा करने करके कैसा फील हो रहा है महापुरुष जी? सत्संगत जी, प्यार से कहना धनवंकार जी, ऐसा समागम में बहुत ही आनंद, सेवा दल में सेवा करने का भी बहुत आनंद आ रहा है सत्संगत जी, और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम थके हुए हैं कि क्या है। तो जितना सेवा हम करते हैं उतना सही, बहुत बहुत ही दिल खुश होता है हमारा। सत्संगत जी, सेवा के लिए तो हर चीज़ ये होती है कि सेवा सत्संग सुमरन, सदगुरु माता जी ने हमें तो यही बात सिखलाया है कि सेवा सत्संग सुमरन से ही हम सदा जुड़े रहे, और सेवा करने में भरपूर आनंद आ रहा है। चाहे वो कोई भी टाइम हो, सुबह उठने का जल्दी, घर में रहते तो हमको आलस आता है, और साथ संगत सेवा में आते हैं तो हम लोग सत्संग जी बहुत आनंद आता है। प्यार से कहना धन्यवाद। चलिए महापुरुष जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम खगड़िया बिहार से आए हुए हैं। सदगुरु का असीम कृपा है जो कि हमें एक से जोड़ा है, सारे भ्रम भ्रांतियाँ जितना था उसे हमें दूर किया गया, मुक्त किया गया, मोक्ष प्राप्ति का साधन मुझे मिला है।
सदगुरु होता जग के दाता, चाहे जो करवा सकता। अब पत्थर दिल भी इसके चरण को छू ले तो भव सागर को तर जाता। ये सब भव सागर को तर रहे हैं। जिसको इसका मिले सहारा रुक नहीं सकता, उसका काम आदि व्याधि रोग उपाधि भाग जाए सब सुनकर नाम। एक पल भीतर आके इन्होंने भक्तों की लाज बचाते हैं, अपने जन की रक्षा हेतु आप स्वयं आ जाते हैं। दुखी दरिद्रनाथ जनों का एक ही पालनहार है, कहे अवतार तेरे अंगसंग रक्षक एक निरंकार है। जिस परमात्मा के लिए मानव इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, उस परमात्मा को ये हमारे सदगुरु की कृपा से अंगसंग दिखा दिए, अंगसंग दर्शन करवा दिए है परमात्मा से। तो साथ संगत असीम कृपा है। हर मानव को चाहिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि मानव तन ही मिला है ये परमात्मा से मिलने के लिए। ऐसे तो 84 लाख जोनी है, 84 लाख जोनी में ये अवसर किसी को नहीं मिला है, एक मानव को मिला है। क्योंकि हमारे पूर्वज संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाइन जे परलोक सभारा। नहीं होता है, साध संगत जी प्यार से कहिए धन। कुछ भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कुछ भी फिर प्यारी साध संगत जी प्यार ना खा ताना जा। असी जंडियाला गुरु तो आए अमृतसर तो सतगुरु की आशीर्वाद लेने के लिए, इसलिए ब्रह्म ज्ञान लिया है, बहुत सुख पाया है। इसलिए एक भाई साहब आए हैं, इसको भी दर्शन कराने हैं। ठीक है जी, महापुरुष ये कुंभ का मेला है, कर्मा वाले को दर्शन होते हैं, चार नाखना दाम है। तो चलिए कि जैसा कि देख पा रहे, कैंटीन वगैरह की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। ये हर ग्राउंड की, हर रोड के साइड कैंटीन की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, आप देख पा रहे हैं। धनकर जी महापुरुष, आपको सेवा करके किस तरह फील हो रहा है आप बता सकते हैं? हमें सेवा करके बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है महापुरुष धनकर जी। चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं, सब सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ जी धनकर जी, दासी को सेवा करके बहुत खुशी हो रही है। माता जी की असीम कृपा है जो हमें ये सेवा बख्शी है, तो दासी तन मन धन से खूब लगन से ये सेवा कर पाए, यही दासी की अरदास है। शास्त्र जी प्यार से बोलिए धनकर जी। सेवा में लगे हुए हैं और सब तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूरे लाइन में हमारे सेवा दल अंकलेश्वर ब्रांच बड़ोदरा जोन का सेवा लगा हुआ है, जो कि दो